नमस्कार मेरे ड्राइवर भाइयों, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश कुमार नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए। तो चलिए दोस्तों अपने नए ब्लॉग के तरफ बढ़ते हैं। तो मैं दोस्तों राहुल किला में आया हूँ लोडिंग करने के लिए। जालना का है, ट्रांसपोर्टर को फ़ोन लगाया था तो बोले 10 बजे तक आऊँगा, फिर डीओ बना के दूँगा। तो दोस्तों 12 बजे आए थे यहाँ पर लोडिंग करने के लिए, लेकिन 2 प्लेट कटने की अभी भी, क्योंकि कॉइल लगने का है मशीन पे, तो 6 प्लेट डाल दी है। 2 प्लेट के लिए अभी भी रुकना पड़ेगा, फिर दोस्तों लोडिंग होती है तो फिर बताएंगे। नमस्कार मेरे ड्राइवर भाइयों, तो दोस्तों कल लोड नहीं हुई हमारी गाड़ी, बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं लोड हुई। यहाँ गर्मी भी बहुत हो रही, बहुत परेशान है हम लोग गर्मी से, तो बहुत इस चक्कर क्या मालूम किस्मत ऐसे ही चल रही दोस्तों। अभी 2 प्लेट बचा है, 6 प्लेट डाल दिया है, 2 प्लेट डाल के अभी निकलेंगे दोस्तों। वो भी शाम को ही निकलना पड़ेगा क्योंकि आरटीओ वगैरह खड़ा होता है दोस्तों, फिर भरती है, लोड होती है, फिर बताता हूँ दोस्तों। अभी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, फिर चाय नाश्ता, थोड़ा रोड पर जाना पड़ेगा तो वहाँ पर नाश्ता करने जा रहे हैं दोस्तों। कैसा लग रहा है? मिर्ची करने लगे ड्राइवर भाइयों। हाँ मेरे ड्राइवर भाइयों, हम लोग गाड़ी लोड हो गई है हमारी, लेकिन खाने उने को कुछ मिला नहीं यहाँ पे। तो थोड़ा चावल वगैरह था तो मसाला राइस बना रहे हैं हम लोग, तो अभी खाएंगे वही बना के। क्योंकि आज देखने जाओगे आप हमारी रेसिपी, ये जा रहा है अभी जीरा उसके बाद दोस्तों जीरा हल्का लाल होने देंगे हम, फिर डालेंगे हमारा प्याज जिसको हमने बारीक बारीक लंबा लंबा काट के रखा है। बहुत ही गर्मी से बेहाल है दोस्तों, बाहर तो इतनी धूल है कि नहीं बता सकते हम कितनी धूल है। धूल से हमको सख्त नफरत। तो अभी अभी फ्रेश हो क्या है दोस्तों? गर्मी आपकी इधर कैसी है? इधर तो बहुत गर्मी है, मेरे हिसाब से आपकी इधर भी होगी क्योंकि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा गाड़ी के अंदर, ना बैठा जा रहा, इतनी गर्मी है भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ मेरे हिसाब से आपकी इधर भी गर्मी होगी, आप जहाँ भी होंगे तो कमेंट में बताइए दोस्तों की गर्मी आप किधर हो और किधर गर्मी है। ये दोस्तों ये हमारे लंबे लंबे लहसुन और ये थोड़ा सा खड़ा मसाला, क्योंकि हम मसाला चावल बना रहे थे, थोड़ा सा खड़ा मसाला होना चाहिए। खड़ा मसाला और लहसुन अभी इतने अच्छे कुकता नहीं है दोस्तों, लेकिन जैसे भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं अब हम इसे थोड़ा सा लाल अच्छा होने देते हैं। तो दोस्तों मसाला भी डाल दिए और टमाटर वगैरह भी डाल दिए हमने, अब उसको होने देते हैं। टमाटर गल जाता है तो फिर थोड़ी सोयाबीन बड़ी वगैरह भी डाल देते हैं और फिर चावल धो के उसमें डाल देंगे। मिलते हैं दोस्त बनने के बाद। ये दोस्तों देखिए ये सोयाबीन बड़ी है, छोटी छोटी कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें, तो इसमें हमने डाल दिया सोयाबीन बड़ी। अब मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगा कपड़े से पकड़ के, ताकि इसमें मसाला अच्छी तरीके से घुस जाए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, हम डाल रहे हैं अभी चावल, हमने चावल धो के डाला है मसाले में। सोयाबीन बड़ी भी काफ़ी थोड़ी बहुत पक चुकी है, मसाले में अच्छी हो गई है। अब हम इसमें डाल दें चावल, हमने अभी अभी धोया, थोड़ा सा चलाएंगे फिर इसमें जितना चाहिए उतना पानी डाल देंगे। हमारा बन जाए। तो दोस्तों हमारा बन चुका है चावल, मैं क्योंकि थोड़े देर के लिए बाहर चले गया था पेपर लाने के लिए, इसलिए पूरा वीडियो नहीं बना पाया।
तो दोस्तों अभी बन चुका है तो हमको भूख भी लगी है तो खाना चालू करते दोस्तों। हमारे को पेपर वगैरह मिल चुका है और हमने पंप में डीजल वगैरह भी डाल लिए, इसलिए थोड़ा अभी जल्दी में इसलिए आए कि टोल पे, तीनों टोल पे जाम लगता है। पिछले बार मैंने वीडियो बना के डाला भी था और आपने प्यार बहुत अच्छा दिखाए थे मेरे को, तो दोस्तों इसलिए जल्दी में कि जाम पार कर लेते एक टोल, उसके बाद चाय वगैरह पीता हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों आगे।